नमस्कार दोस्तों, बीएसई ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के आप लोग के इस आरआरबी एनटीपीसी के क्लास में एनवायरनमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज का आप लोग का टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 50 में से 40 आप लोग को क्वेश्चन करेक्ट करने हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आज हम सिर्फ उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप लोग के ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को साथ में पढ़ते हुए चलिएगा। और पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल देखते हैं हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन, ये रहा आप सभी के सामने, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आप लोग के प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लिए गए हैं, और जो क्वेश्चन आप लोग के नए हैं वो आप लोग के आ सकते हैं। जैसा कि आपको बताने कि पर्यावरण के लिए कौन खतरा है। अब देखिए, पर्यावरण के लिए खतरा कौन सा होगा? बढ़ते हुए पौधे, अगर पौधे बढ़ेंगे तो पर्यावरण को कोई भी खतरा नहीं होगा, फसलें बढ़ाने से भी कोई नहीं होगा, टेक्नोलॉजी से भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जनसंख्या से इसको ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो सही जवाब होगा आपका बी वाला, बढ़ती हुई जनसंख्या। चलिए फिलहाल देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन, पर्यावरण जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है। अगर हम पर्यावरण शब्द की बात करें, ये शब्द जो है दोस्तों किस से लिया गया है, फ्रेंच, अंग्रेजी, लैटिन या फिर रूसी? देखिए, ये जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है, तो करेक्ट आंसर यहाँ से आप सभी का होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नंबर थर्ड, ये रहा आप सभी के सामने, पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ जहाँ जीवन यापन होता है उसे जो है किस रूप में जाना जाता है, हाइड्रोस्फीयर में या फिर स्थल मंडल, जीव मंडल या फिर यौर क्षेत्र? तो देखिए, इसको बोलते हैं जीव मंडल। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ पर जीवन यापन होता है वो आप लोग का जीव मंडल के रूप में जाना जाता है। चलिए अब देखते हैं फिलहाल आप लोग का अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की ऊपरी परत जो कि मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है, इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोस्फीयर, स्थल मंडल, जीव मंडल, ओजोन मंडल? तो देखिए, इसको क्या बोलते हैं जी, देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग का स्थल मंडल, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर स्थल मंडल। पृथ्वी की ऊपरी परत जो कि मनुष्य की जीवन करने में सक्षम है, इसको स्थल मंडल बोला जाता है। इसके बाद देखिए आप लोग का अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी जो है कहाँ पर तेल, गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बताना, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ पर पानी जो है वो आप लोग के गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है? तो सही जवाब है आप लोग का हाइड्रोस्फीयर में। तो करेक्ट आंसर यहाँ से आप सभी का डी वाला आ जाएगा। चलिए फिलहाल अब देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, देखिए पृथ्वी की कुल सतह में लगभग कितने परसेंट जो है क्षेत्र जलमंडल वाला है? आपको यहाँ पर ये बताना कि पृथ्वी की कुल सतह में लगभग कितने फीसदी क्षेत्र जलमंडल वाला है? तो ये है 70% जो क्षेत्र है ये लगभग जलमंडल में ही समाहित है। तो करेक्ट आंसर आपका ए आएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है? निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है? तो स्थल मंडल का सबसे बड़ा जो घटक है ये फिलहाल ऑक्सीजन है। तो यहाँ से आप लोग का करेक्ट आंसर होगा ए। चलिए फिलहाल अब क्वेश्चन आ गया है आप लोग के एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए। अब आप लोग यहाँ पर बताइएगा कि भारत का सबसे पुराना, देखिए हमारे इंडिया का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन सा है? तो बताइएगा दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है, भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन सा है? तो देखिए इसका नाम है बॉम्बे जी, इसका जो नाम है ये फिलहाल बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी कि BNHS मुंबई। नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हमारे इंडिया का सबसे पुराना है, ठीक है, एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, और ये मुंबई में है। फिलहाल अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, सलीम अली ये जो है दोस्तों ये जो है किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सलीम अली जो है ये किससे संबंधित हैं? देखिए सलीम अली ये भी आप लोग के एनवायरमेंट से ही संबंधित है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से ए होगा। अब देखते हैं फिलहाल आप लोग का अगला क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि BSI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फिलहाल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि BSI का जो मुख्यालय है ये फिलहाल आपका कोलकाता में स्थित है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से आपका डी वाला होगा। अब फिलहाल देखते हैं यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कण पदार्थ के भाग हैं?
दोस्तों अब आप सभी को यहाँ पर ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से कण पदार्थ के भाग हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, सल्फेट नाइट्रेट, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, और थर्ड नंबर पर दे रखा है आप लोग को ब्लैक कार्बन, खनिज कण और पानी। तो बताएगा दोस्तों इनमें से कौन से जो है कण पदार्थ के भाग हैं, केवल फर्स्ट और सेकेंड, केवल फर्स्ट और थर्ड, केवल सेकेंड और थर्ड, या फिर तीनों के तीनों ही सही आपको दिए गए। तो देखिए यहाँ से आप लोग का करेक्ट आंसर आ जाएगा डी वाला, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बात हो रही थी आप लोग के कण पदार्थ कौन से जो हैं कण पदार्थ के भाग हैं, तो ये सोडियम नाइट्रेट भी है, अमोनिया भी है, सोडियम क्लोराइड भी है, ब्लैक कार्बन, खनिज कण और पानी, ये जितने भी दोस्तों आप लोग कण दे रखे हैं सब पदार्थ के भाग हैं। अब देखते हैं दोस्तों फिलहाल आप लोग का अगला क्वेश्चन। देखिए भारत में वायु की गुणवत्ता जांचने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में वायु की गुणवत्ता जांचने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है, पहल है, वायु सफ़र है, सफ़र एयर, या फिर क्लीनर है। तो देखिए यहाँ से सही जवाब है आप लोग का सफ़र एयर, ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, भारत ने वायु की गुणवत्ता को जांचने के लिए सफ़र एयर मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसके बाद देखते हैं आप लोग का अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अब आपको यहाँ पर यह बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायु गुणवत्ता की जांच के लिए शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में सत्य है। अब मोबाइल एप्लीकेशन की बात हो रही जो कि वायु गुणवत्ता की जाँच करता है, तो इसके बारे में कौन से यहाँ पर पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले पॉइंट में आपको बताया गया है कि इस एप्लीकेशन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी कि MOES द्वारा शुरू किया गया है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है कि भारत का सबसे पहले वायु गुणवत्ता जांचने वाले मोबाइल एप्लीकेशन यानी कि सफार एयर को पुणे महाराष्ट्र में स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान से 17 फरवरी 2014 को शुरू किया गया है। और थर्ड आप लोग को पॉइंट में यहाँ पर यह दिया गया है कि वर्तमान में यह एप्लीकेशन सेवा केवल पुणे, दिल्ली और मुंबई के लिए उपलब्ध है। तो बताइए दोस्तों मैंने ये तीन पॉइंट आप लोग को पढ़ के बताया, तो इन तीनों में से आपको कौन सा सही लगा, केवल फर्स्ट और थर्ड, या फिर केवल फर्स्ट और सेकंड, या फिर सेकंड और थर्ड, या फिर सारे के सारे आपको सही लग रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए और बताइए कमेंट करके दोस्तों यहाँ पर कौन सा पॉइंट आपको बिल्कुल सही लगा है। देखिए यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था कि इस एप्लीकेशन को यहाँ पर MOES द्वारा शुरू किया गया है, तो बिल्कुल ये करेक्ट है आप लोग का, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। और ये जो आपको थर्ड पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ये आप लोग का बिल्कुल सही है, वर्तमान में ये एप्लीकेशन जो है सेवा केवल पुणे, दिल्ली और मुंबई के लिए उपलब्ध है। तो यहाँ से आपका आंसर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आएगा। अब देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि निम्न में से कौन सा एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन आपको दिया गया है, ये नहीं होगा, बाकी जलवाष्प, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप लोग के बिल्कुल सही है। चलिए फिलहाल अब देखते हैं आप लोग का अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि मैली से निर्मल पुनरुद्धार योजना का राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि NGT की सिफारिश पर शुभारम्भ किया गया। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, यमुना, गंगा, गंगा यमुना, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों आपको बता दें करेक्ट आंसर जो होगा ये आप लोग का यहाँ से है यमुना। तो मैली से निर्मल यमुना पुनरुद्धार योजना का राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि NGT की सिफारिश पर इसका शुभारंभ किया गया है। तो ये नदी है फिलहाल आप लोग की यमुना। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आप लोग का अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने। देखिए अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, भारत जो है हर साल 4.3 लाख टन खतरनाक कचरा उत्पन्न करता है, तो इस खतरनाक कचरे से निकले दो रसायनों के सीधे संपर्क में आने से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है, तो इन दो रसायनों के नाम क्या हैं ये आप लोग को बताना है। देखिए इन दोनों के रसायनों के नाम क्या है ये आप लोग को, देखिए चार ऑप्शन जैसे कि दिए गए हैं, पारा तो आपको पता ही है, ये आप लोग का ही, और एक साइनाइड, इसके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ से आपका क्या होगा, सही जवाब आएगा आपका डी वाला, पारा तथा साइनाइड। ओके फ्रेंड्स अब देखते हैं फिलहाल आपका अगला क्वेश्चन, किस कन्वेक्शन के तहत भारत एक तय समय सीमा के अंदर ODS यानी कि ओजोन रिक्तिकरण पदार्थ के उत्पादन व खपत को नियंत्रित करेगा। देखिए वियना कन्वेंशन, वेसल कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो बताइए दोस्तों इन तीनों ऑप्शन में से क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको इन तीन ऑप्शन में से बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। देखिए करेक्ट आंसर फिलहाल आपका है सी वाला, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्लियर है इतनी बात। चलिए
अब देखते हैं फिलहाल आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9th आप लोग की स्क्रीन पर। भारतीय उपमहाद्वीप के जल में पाए जाने वाली समुद्री कछुओं की 5 प्रजातियों में से कौन सी सबसे अधिक आबादी वाली प्रजाति है? देखिए अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 5 प्रजातियों में से कौन सी सबसे अधिक आबादी वाली प्रजाति है। तो फिलहाल ये है ऑलिव रिडले, इसका नाम तो आपको याद होगा, करेक्ट आंसर है फिलहाल आपका ऑलिव रिडले। क्लियर इतनी बात। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आप लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब आपको बताइए विशालकाय पांडा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF का आधिकारिक प्रतीक है, यह जानवर किस देश में पाया जाता है? ये क्वेश्चन भी आप लोग का रेलवे का ही NTPC का क्वेश्चन है, ये मैंने पहले भी आप लोग के साथ डिस्कस किया था और इसका आंसर आप लोग का फिलहाल है चीन। ठीक है, यह जानवर जो पाया जाता है चीन में। इसके बाद देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस ये आप लोग का कब मनाया जाता है? देखिए वन्य जीव दिवस ये आप लोग का कब मनाया जाता है आपको यहाँ पर ये बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें करेक्ट आंसर फिलहाल है इसका 3 मार्च। ठीक है, तो विश्व वन्य जीव दिवस ये आप लोग का फिलहाल 3 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम क्या है, अगर ये क्वेश्चन भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस बार की जो इसकी थीम है वो है लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लैनेट। देखिए इस बार की जो इसकी थीम है वन्य जीव दिवस की जो थीम है इस बार वो है आप लोग की लाइफ बिलो वाटर। ठीक है, लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लैनेट। चलिए अब देखते हैं फिलहाल आपका अगला क्वेश्चन, विश्व वानिकी दिवस ये आप लोग का कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस ये फिलहाल आपका कब मनाया जाता है अब आपको यहाँ पर ये बताना है। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ABC या फिर D? तो देखिए विश्व यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस ये आप लोग का 21 मार्च को मनाया जाता है, और इस वर्ष 21 मार्च 2019 को इसकी जो थीम है ये है फॉरेस्ट एंड एजुकेशन। देखिए डेट तो आप लोग की 21 मार्च है और इस बार की इसकी थीम है फॉरेस्ट एंड एजुकेशन। ध्यान रखिए इस बार की इसकी थीम है फॉरेस्ट एंड एजुकेशन। अब देखते हैं फिलहाल आपका अगला क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये आपका कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये आपका कब मनाया जाता है? तो अब आप लोग बताएगा करेक्ट आंसर इसका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3rd का यहाँ पर। तो चलिए फिलहाल आपको बताते हैं यहाँ पर दिया गया विश्व मौसम विज्ञान दिवस। देखिए 3rd क्वेश्चन का जो आप लोग का यहाँ पर करेक्ट आंसर है यह है 23 मार्च। ध्यान रखिएगा दोस्तों, और इस बार की जो थीम है वो है द सन द अर्थ एंड वेदर। ठीक है दोस्तों, इस बार की जो थीम है वो है द सन द अर्थ एंड वेदर। क्लियर है इतनी बात? ओके चलिए फिलहाल अब देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन ई वेस्ट का सुरक्षित उपचार एवं निस्तारण का प्रकार है? ई वेस्ट का सुरक्षित उपचार एवं निस्तारण का जो है कारण है, देखिए एक प्रकार देखिए आपको दिया गया, सबसे पहले सिक्योर्ड लैंड फिलिंग यानी कि सुरक्षित विधि से भूमि में दबाना, और यहाँ पर रखा भस्मीकरण यानी कि दोस्तों आपका होता है इंसिनरेशन। ठीक है, इंसिनरेशन, और फिर दे रखा है आप लोगों को रिसाइकलिंग यानी कि पुनर्चक्रण। तो आपको यहाँ पर ये बताना है निस्तारण का एक प्रकार कौन सा है। तो देखिए ये जितने मैंने आप लोग को पॉइंट बताए ये सारे के सारे आप लोग के बिल्कुल सही है, तो सभी दोस्तों ये जो है ई वेस्ट का सुरक्षित उपचार व निस्तारण के प्रकार हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ से आपका आएगा डी वाला। क्लियर इतनी बात? ओके, और आप लोग को यहाँ पर वैसे बता दें ये जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ पर ई वेस्ट की, तो ई वेस्ट का सुरक्षित उपचार एवं निस्तारण मुख्यतः 5 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला होता है आप लोग का सिक्योर्ड लैंड फिलिंग जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, दूसरा आपका दिया गया है यहाँ पर इंसिनरेशन यानी कि भस्मीकरण, तीसरा होता है आप लोग का रिसाइकलिंग यानी कि पुनःचक्रण, चौथा पॉइंट होता है इसका आप लोग का एक प्रकार है वो है एसिड के द्वारा मेटल की रिकवरी, एसिड के द्वारा मेटल की रिकवरी, और पाँचवा आप लोग का प्रकार होता है रीयूज यानी कि पुनः उपयोग। क्लियर इतनी बात? चलिए अब देखते हैं फिलहाल आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विषाक्त तत्व ई वेस्ट में नहीं पाया जाता है? अब दोस्तों आपको यहाँ पर यह बताना है कौन सा ऐसा जहरीला तत्व है जो कि ई वेस्ट में नहीं पाया जाता है। तो ई वेस्ट में पाए जाने वाले जो विषाक्त पदार्थ हैं, एक तो आप लोग का आता है लेड है, ठीक है, लेड यानी कि PV, एक कैडमियम है, बेरिलियम, ठीक है, और आप लोग का मरकरी होता है, बेरियम होता है, लेड ऑक्साइड है, पानी विनाइल क्लोराइड है, ब्रोमीन है। ये जितने मैंने आप लोग को बताए सारे के सारे ई वेस्ट में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थ हैं। तो यहाँ पर आपका नियान मैंने नहीं बताया, तो करेक्ट आंसर आपका नियान हो जाएगा।
बाकी आप लोग का मरकरी भी है, लेड भी है, कैडमियम भी है, लेड ऑक्साइड है, ठीक है ना, बेरियम है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ब्रोमीन है, ये जितने भी हैं सारे आप लोग के विषाक्त तत्व पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना है, ई वेस्ट का क्या मतलब। अब देखिए ई वेस्ट की बात हो रही है तो ई वेस्ट का मतलब क्या है, मतलब सिर्फ इतना ही है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लंबे समय तक प्रयोग करने के पश्चात उसको बदलने या ख़राब होने पर दूसरा नया उपकरण प्रयोग में लाते हैं। तो इस निप्रयोजन खराब उपकरण को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कचरा या फिर ई वेस्ट बोला जाता है। इसलिए आपका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी कि ई वेस्ट। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन भी ई वेस्ट से ही रिलेटेड है। तो दोस्तों ये पॉइंट आप लोग का, ये जो पॉइंट है बिल्कुल क्लियर होने वाला ई वेस्ट। देखिए ई वेस्ट में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थ एवं मानव पर पड़ने वाले कुप्रभाव ये कौन कौन से हैं। तो देखिए सही जवाब है आप लोग का डी वाला। आप लोग भी जानते हैं ई वेस्ट में विषाक्त धातुएं पाई जाती हैं और इनको जलाने से जो है उक्त धातुएं उत्सर्जित भी होती रहती हैं, जो परिवेश वायु में रहकर सांस के माध्यम से शरीर के अंदर पहुंचकर हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में अपनी विषाक्तता से प्रभावित करती हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ से आपका क्या होगा, ये होगा आपका डी वाला। अब देखते हैं फिलहाल आपका अगला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रतिवर्ष सबसे अधिक ई वेस्ट पैदा करता है। ऐसा कौन सा देश है सबसे ज़्यादा जो है ई वेस्ट पैदा करता है। देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो फिलहाल आपकी चीन देश की है। तो विश्व में लगभग 200 से 500 लाख, ठीक है, मीट्रिक टन, तो ये वेस्ट जनित होता है जिसमें चीन का योगदान सबसे ज़्यादा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से आपका होगा बी वाला। चलिए फिलहाल अब देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने। सीआरटी यानी कि कैथोड रे ट्यूब, तो इसमें जो है कितनी जो है सीसा या फिर लेड होती है, जिसका आम तौर पर पिक्चर ट्यूब जिसे बोला जाता है। तो इसमें जो है लेड की मात्रा कितनी होती है दोस्तों। तो देखिए लेड की अगर हम बात करें तो कैथोड रे ट्यूब फिलहाल तो एक निर्वात यानी कि एक वैक्यूम ट्यूब है, क्लियर है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन बंदूक यानी कि ऋणावेशी स्रोत और एक आप लोग का प्रदीप्त पटल होता है। इसको बनाने में 4 से 7 पाउंड तक के बीच लेड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर फिलहाल होगा डी वाला, 4 से 7 पाउंड। अब देखते हैं फिलहाल आपका अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन पीसी या फिर टीवी का सबसे मूल्यवान हिस्सा होता है। तो सही जवाब है कैथोड योक में कॉपर, ये सबसे मूल्यवान हिस्सा होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है एक प्रकार का चुंबकीय लेंस होता है और इसका उपयोग जो कैथोड किरण ट्यूबों में पूरे स्क्रीन पर लंबवत और क्षैतिज रूप से इलेक्ट्रॉन किरण को स्कैन करने के लिए किया जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर होगा आपका सी। अब देखते हैं फिलहाल आप लोग का 10th क्वेश्चन, आज के इस वीडियो का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ई कचरे या ई वेस्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दे रखा है। तो सबसे पहले आपको दिया गया कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जलाने से विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं। फिर आपको देखिए यहाँ पर बी पॉइंट दे रखा है कि ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी कि मोटे तौर पर फेंके हुए, बचे हुए, टूटे हुए, समय के साथ बेकार हो चुके इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का समावेश होता है। तो ये दोनों पॉइंट में से बताइए कौन सा आप लोग का कथन बिल्कुल सही दिया गया है। तो देखिए यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, आपका ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा। तो देखिए दोनों ही पॉइंट आप लोग के सही हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आएगा सी, ए और बी दोनों। ओके, तो उम्मीद करता हूँ फिलहाल आज की क्लास आप लोग को इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कुछ और इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। बने रहिए आप लोग अपने चैनल बीएससी ट्रिकी क्लासेस में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।